नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। आज हम वैसी स्टोरी करने वाले हैं कि जैसे पत्रकारिता एक बहुत मतलब मुश्किल काम है। पत्रकारिता, एक पत्रकार को धमकाया जाता है, इसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा भी कुछ नहीं किया जाता, लेकिन एक पत्रकार अगर 24 आवर्स लगा रहता है अपना सोशल वर्क करता है, बात की जाए पत्रकार की, पत्रकार को तो न कोई सैलरी है न तो कुछ, सोशल वर्क करने के लिए वो विलेज टू विलेज हर एक पोअर पीपल की आवाज़ आगे तक लेके आता है, लेकिन आखिरकार हम देखेंगे पत्रकार को बाद में क्या मिलता है। उन्हें इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, कभी उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, कभी कहीं वो किसी गांव में जाएंगे स्टोरी करेंगे तो उस स्टोरी के ऊपर उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। बोला जाता है कि जी आपने अपने लड़के को बोलो जी ऐसे आप स्टोरी डिलीट कर लो वरना हम ये करेंगे या हम वो करेंगे। ये धमकियाँ कहाँ से सुनने को मिलती है? सरपंच के, हमारे जो सरपंच साहिब हैं उनके द्वारा और हमारे जो वीडियोज़ के द्वारा ये हमें धमकियाँ सुनने को मिलती हैं। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त भी एक द लोकल रिपोर्ट चैनल हैं, इनके जो ओनर हैं सुलेंद्र पड़ियार सराजी, इनने एक स्टोरी की 14 FC में एक वो कुछ शमशान घाट बनाया गया था, जहाँ तक इनने कहा कि 20,000 के करीब उसमें लगाया गया, लेकिन बिल उसमें निकाला गया कितना, लाखों के हिसाब से। सरासर गलत है, ये लापरवाही उन वीडियोज़ के हजरात की भी वहाँ पे हैं और सरपंच साहिब की भी। लेकिन उसके अलावा अभी मैं 10 मिनट में यहाँ पे बैठा हूँ तो कम से कम 10 कॉलें इनको आ चुकी है घर से कि आप ये करो या वो करो, यानी इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। यानी पत्रकारिता हम ऐसे भी नहीं, खुल के भी नहीं कर सकते हैं, इमोशनल दबाव में करनी है। चलिए अब क्या इंसिडेंट इनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, सुलेंद्र पड़ियार सराजी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं कि क्या हुआ आखिर, क्या हुआ। सुलेंद्र पड़ियार जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी व्यूवर्स का। सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये सभी पत्रकार लोग ही जानते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो कर रहे हैं और जो इस फील्ड को समझते हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल भरा काम है। अगर बात की जाए मेरी तो मैंने सोशल वर्क से ही शुरू किया था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमेशा जो भी मुझे गलत लगता था उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। तो साथ ही मैं जर्नलिज़म भी कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नलिज़म भी एक सोशल वर्क ही है जिससे हम लोगों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस गरीब तक तबके की आवाज़ जिसको कभी किसी ने नहीं सुना है। तो जब आपने कहा कि आपके साथ भी या बहुत सारे सभी लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ धमकाया जाता है, जब भी आप किसी के अगेंस्ट लगाओगे कोई स्टोरी या कोई सच दिखाने की कोशिश करोगे तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, आज वैसा ही हुआ। आपके व्यूअर्स को मैं बताऊं कि मैंने एक स्टोरी की है जो द लोकल रिपोर्ट के ऊपर है, आप देख सकते हो द लोकल रिपोर्ट में, या इस पर लिंक मिल जाएगा आपको, कि उस स्टोरी में टाइटल जो उसका था शमशान घाट में चोरी। जी हाँ, शमशान घाट में चोरी। एक्चुअली में चोरा क्या गया वहाँ पे, चोरी किस चीज़ की गई वहाँ पे, 1 लाख का काम 14 FC के अंडर था, और 14 FC के अंडर जो काम किया गया वहाँ पे 1 लाख का, वो दरअसल 1 लाख का था ही नहीं। मैंने इस बार स्टोरी की, इससे ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार जाके वहाँ पे स्टोरी की और मुझे पता नहीं था, मैंने पहले जो है पहले वहाँ पे जब बैक टू विलेज था, जिसमें विजिटिंग ऑफिसर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर डोडा फिशरी डिपार्टमेंट के वो आए सर आए हुए थे, तो उनको मैंने उस टाइम पे दिखाया था, नोटिस में लाया था वो काम और उनको बताया था उसी टाइम पे। मैंने कहा बताओ ये काम किसने किया, उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि ये काम किया किसने। मेरे गांव की बात है, मलवाना ईस्ट पंचायत की बात है, मेरे गाँव की बात है, तो उस टाइम बींग ए सिटीज़न ऑफ उस विलेज का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। उस टाइम मैंने न्यूज़ नहीं की, मैंने वहाँ पे बताया उनको कि ये काम किसने किया है और ये कितने में काम हुआ है मुझे ये बताओ। एंड जब ये काम बात उठी वहाँ पे, तो जो सरपंच थे वो भी बौखला गए और वो जो वार्ड मेंबर थे वो भी बौखला गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा कसम खाओ यहाँ पे, तुम्हारे लिए कसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कसम खाओ यहाँ पे, तुमने जलना है मरने के बाद, यहाँ पे जलना है तुमने, तुम कसम खाओ कि यहाँ पे पैसा कितना लगा है। तो सब के सब चुप हो गए और जो विजिटिंग ऑफिसर थे उन्होंने उनको बताया कि आप इसको एक्सटेंड करो और अच्छा काम करो, यहाँ पे पार्क पूरक बनाओ, इसमें और पैसा रखो, और पैसा लिखा वहाँ पे लिखने के लिए। बैक टू विलेज में तो आपको पता है सिर्फ लिखा ही जाता है, लिखा ही जाता है, मिलता कुछ नहीं, तो वो लिख दिया कि हाँ जिसमें पैसा और डाल देंगे। तो मैंने ये कहा कि सर और ठीक है, और ज़्यादा अच्छी पार्क बननी चाहिए, लेकिन इस 1 लाख का क्या, 1 लाख का आपको लगता है कि 1 लाख का है?
तो उन्होंने बातें बातें घुमा के बोला हाँ हाँ ये अच्छी कर बना लेगा ये वो, डांटा उसको वार्ड मेंबर को उस टाइम पे थोड़ा सा, और वार्ड मेंबर ने उसके बहाने सोचा कर लेगा ठीक, इसने भी आखिरकार इधर ही मरना है, गाँव के लोगों ने यहाँ पर मरना है, और मरने की जगह पर कौन पैसा खाता है? चलो बाकी जगहों पर हमने देख, बाकी जगहों पर भी नहीं खा सकता कोई, कानूनी जुर्म है कि 10 रुपये नहीं खा सकते आप गवर्नमेंट के, लेकिन वहाँ पर हज़ारों रुपया जो है इन कर दिया है। और वहीं पे नहीं, उसके अलावा जो है वहाँ पे मैंने जब छानबीन की, जब इस बार मैं वहाँ पे स्टोरी करने गया तो मैंने छानबीन की, मैंने सरपंच को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं जब पिछली बार यहाँ पे आया था मैंने तब जो है ये काम देखा था और मैंने आपको नोटिस में लाया था, सबके सामने नोटिस में लाया था, अभी भी ऐसा ही है? तो उन्होंने बताया कि देखो जी उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि 1.5 लाख या 1-20 लाख आया था ऐसे बोला था, लेकिन जब फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला 1 लाख। तो मैंने कहा कि वो 1 लाख तो है नहीं, आप ही मुझे बताओ। फिर उन्होंने भी आगे से बोला कि हाँ मरने की जगह पे कौन पैसा खाता है ये वो, रिकॉर्डिंग मेरे पास है पड़ी हुई, उन्होंने 1 लाख रुपया बोला, उसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया, सरपंच साहब ने बोला कि 1 लाख रुपया लगा, और वो दरअसल एक बार गिर गया था, 1 लाख का काम किया हमने तो फिर गिर गया, लाख का काम करने के बावजूद भी गिर जाता, हाँ गिर गया, फिर बोला कि फिर से हमने बनाया। अब मुझे ये बताओ कि फिर से इसका मतलब फिर 2 लाख का काम हुआ, वो 2 लाख का, 1 लाख का काम, वो कैसा 1 लाख का काम था जो गिर गया? अभी 1.70 जो है वो PMAY के स्कीम के तहत मिल रहा है लोगों को, और उसमें घर बना रहे हैं लोग, और 1 लाख में आप सोच सकते हो कितना अच्छा काम हो सकता है, 1 लाख में बहुत ही अच्छा काम हो सकता था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। वहाँ पे जब मैंने उनको पूछा कि वो शेड किसके लिए, उसमें तो लाश भी नहीं लगेगी पूरी, वो तो उतना सा भी नहीं है, आप मतलब 2-3 बंदे से ज़्यादा, या वहाँ पे मुझे नहीं लगता 10 बंदों से ज़्यादा वहाँ पे सिटिंग से अगर जुड़ के रहेंगे तो 10 बंदे लग सकते हैं, 10 बंदे से ज़्यादा नहीं लग सकता। तो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है द लोकल रिपोर्ट के ऊपर उस शमशान घाट की, तो वहाँ पे जब मैंने और जानने की कोशिश की उन्हीं से तो उन्होंने बताया कि वो गिर गया था, वो बताया, उसके बाद बोला कि हमने जी वो लाश को जलाने के लिए थोड़ी बनाया है, वो हमने लोगों को रहने के लिए बनाया, हाँ पैसेंजर शेड है वो, मतलब लोग वहाँ लाश जलेगी, और यहाँ पे आप वहाँ पे अगर वो शमशान घाट देखोगे वहाँ छोटे छोटे पत्थर ऐसे ज़मीन पे खुले में जलाते हैं, शमशान घाट है वो, तो वो शमशान घाट के देख पहले तो कोई बोलेगा नहीं शमशान घाट है, खेत है वो, ऐसी हालात है वहाँ पे, और जो शेड बनाया गया और शेड वो बनाया लोगों के लिए। अब मुझे ये बताओ, मैंने उसी स्टोरी में ये कहा है कि जब लोग, जब किसी की डेथ होती है तो तब भद्रवाह से लोग आते हैं, किश्तवाड़ से आते हैं, डोडा से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर वहाँ पे, और तो लाखों में हज़ारों में कभी कभी लोग आते हैं वहाँ पे जिसकी जलाया जाता है, गाँव गाँव से लोग आते हैं, तो क्या उसने से शेड में वो लग जाएंगे सभी लोग बारिश के टाइम पर? मैंने जहाँ तक देखा है शमशान घाट का, जो भी जहाँ भी देखा है आपने भी देखा होगा, तो हर जगह पे सभी लोगों को भी पता है कि जहाँ पे भी शमशान घाट बनता है वहाँ पे जो शेड बनाते हैं वो शेड लाश के लिए बनाते हैं, ताकि बारिश के टाइम पर जो है लाश को दिक्कत ना हो जलने में, मैंने स्टोरी में बताया हुआ है, दिक्कत ना हो इसलिए वो बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने उस जगह पे नहीं, इन्होंने लोगों के लिए बनाया, और वो भी ड्रामा किया गया है, ड्रामा किया हुआ काम है, हाँ, नहीं वहाँ 10, मैंने उधर दावे से, मैंने उस वीडियो में ही कहा है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये 20,000 से ऊपर का काम नहीं है, पत्थर वहीं पे लाने तो है नहीं कहीं से, सीमेंट लाना है, सीमेंट तो वहाँ लगा है ही नहीं, चूना बाहर से कर दिया है, अंदर पत्थर लगाए हुए हैं, और 2 बाथरूम की पाइपें लगाई हुई हैं उसको पिलर के लिए, और ऊपर से 5-3 के फटे हैं डाले हुए शेल्टर के लिए, तो इतना सा काम जो है ये 1 लाख रुपए का निकाल के, मैंने उस वीडियो में कहा है कि वो कौन सा ऐसा इंजीनियर है जिसने वो पास किया काम, मुझे वो नहीं पता कौन इंजीनियर जिसने वो पास किया, अभी मैं वीडियो ऑफिस में जाऊंगा और वहाँ पे पूरा काम का पता निकालूंगा, और प्लस RTI डालूंगा उस काम की, कि आप मुझे बताओ कि उस काम का क्या हुआ। ये पूरी स्टोरी थी वहाँ की, जब मैंने पूरी दिखाई तो मैं वापस आया कल वो अपलोड हुई, लोगों ने देखा, लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि ये तो 10 रुपये का काम नहीं, कोई लिखने लगा 20 रुपये का काम नहीं, क्योंकि उनको दिख रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी पे जाके मैंने एक एक चीज़ को दिखाया वहाँ पे कि ये शमशान घाट है, ये देखो ये पिलर है, ये देखो आप दिख रहे कितना ये लगा होगा, आप मैंने उसमें ये भी बताया कि आप मुझे बताओ कि कितने पैसे लगे हैं इस पर लोगों को, तो लोगों ने बताया आदर किसने कहा कि ये बहुत अच्छी, और उधरी गांव के लोगों ने, 3-4 गांव के लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया है कि बहुत अच्छा काम है,
वो बोल नहीं पाते, क्यों? वो सोचते हमारी बरादरी में हैं, हमारे लोग हैं, हम नहीं बोलेंगे, बिगड़ ना जाए कहीं, हमने कल जीना मरना साथ में। ये सही बात है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में, हमें मिलजुल के रहना है, लेकिन जो चोरी करे, क्राइम को छुपाना भी तो एक लड़ाई गलत है ना कानून। वही चीज़ है कि उस गाँव में सिर्फ मैंने ही आवाज़ पहले भी उठाई है और आज भी उठाने की कोशिश की, और आज जब मैंने उठाई उसमें चोरी है, तभी तो उनको रात को नींद उड़ गई, और रातों को वो 12-12, 11-11, 1-1 बजे तक मेरे फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करके बोल रहे थे, धमका रहे थे। वो जो है वो प्लस जो वो वार्ड मेंबर है, उस बंदा जो है वो एक नंबर का, वहाँ पे उसकी जो इमेज है वो चोरों मतलब लड़ाई करने वालों में से बनी हुई है, कि शादी वगैरह हो तो लड़ाई वगैरह करना है, उसने वो गुंडेपन वाली वो इमेज बनी हुई है, दारू शारू पीता है, तो वो गालियाँ शालियाँ रात को दारू शारू पी के गालियाँ मार रहा था घर वालों को, और घर वाले डर गए, उन्होंने कहा कि यार तूने तो ऐसा ऐसा कर दिया, ये है वो है, वो भी मुझ पे प्रेशर डालने लगे, और घर वालों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं समझ सकता हूँ कि वो जो लोग हैं वो सारे जितने भी हैं, चाहे उसकी माँ हो, उसकी जितने भी घर के हैं, वो सारे के सारे जो हैं घर वालों के ऊपर हल्ला बोल दिया उन्होंने, और कल शाम से जब से वो वीडियो उन्होंने देखी है तब से उनके जो होश हैं वो उड़ गए हैं, और घर वालों को गालियाँ मारी जा रही है, थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है मारने के लिए। इवन मेरे को उस वीडियो के ऊपर आप कमेंट देख सकते हो, उस वीडियो के ऊपर कमेंट आया है कि हम तेरे को वहाँ पे लाश में दफना देंगे, कुछ ऐसा तेरे लिए वो काफ़ी है तेरे लिए, मतलब हम वहाँ पे तेरे को जला लेंगे। मैं तो डरता हूँ नहीं किसी से, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया, इस फील्ड को छोड़ के मैं सोशलिज्म में आया, तो मैंने डरना ही छोड़ दिया है, मैं डरता ही नहीं। जब मैंने सोशल वर्क ज्वाइन ही किया तो मैं मरने से भी नहीं डरता। मैं ऑन अभी कैमरा कह रहा हूँ कि मैं मरने से डरता नहीं, सुलिंदर परिहार मरने से नहीं डरता मैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए मुझे और मैं कभी इनके ऊपर वो रिप्लाई भी नहीं करता, लेकिन बात जब फैमिली की आई, क्योंकि मैंने देखा है कि जर्नलिज्म के अंदर भी या किसी और फील्ड में भी, जब भी लोग जब सच को बात सच कहने की वो करते हैं, तो वो तो सोचेंगे कि चलो मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टेंशन नहीं, लेकिन जब फैमिली पे बात आती है तो तब वो रह जाते हैं। आप मुझे बताओ कि वो लोग कैसे, वो लोग जो सोचते हैं कि जो जर्नलिज्म है या जो जर्नलिस्ट हैं, जो ये मीडिया है, वो सच दिखाए, कैसे दिखाएगी? जब टॉर्चर किया जाएगा, घर वालों को धमकाया जाएगा, कौन अपने बेटे को जर्नलिस्ट बनाएगा? लोकल एरियाज़ में सिर्फ धमकाना है। वो ये सोचते हैं कि ये नए यूथ जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट का अभी सामने आया है मीडिया के अंदर, उन लोगों ने सच दिखाना शुरू किया है। मैं नहीं बोलता कि पुरानों ने नहीं किया, वो पुराना वाला टाइम था, लेकिन अभी वाला जो टाइम है वो यूथ ही समझता है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, और कर भी रहा है। लेकिन ये जो बाबू लोग हैं, ये जो जिनको चोर कहेंगे हम, मैं चोर कहूँगा उनको, जो पैसा लेते हैं, वो हमारा पैसा है, वो लोगों का पैसा है, जो वो पैसा खाते हैं 1 लाख रुपए में से अगर वो 80,000 रुपया खा लेता है तो वो लोगों का पैसा है, और लोगों के पैसों के ऊपर वो राज करते हैं और घर खरीदते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं, वो लोगों के पैसों से बनते हैं ठेकेदार और ये जितने भी चोर व्यापारी, ये बनते हैं आखिर वार्ड मेंबर और सरपंच इसीलिए हैं कि लोगों के, बोलते तो ये हम लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन ये बनते हैं लोगों के खाने के लिए। ये 500-500 रुपया तभी तो अपने इलेक्शनों में देते हैं, ये सच है, रियलिटी है, मैं रियलिटी बोलूँगा। बहुत सारे जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनको दुख भी होगा और उनको बुरा भी लगेगा, लगे, मैं सच बोलता हूँ और मेरा काम ही सच बोलना है, मुझे सिखाया ही सच बोलना गया है और मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। अब बात रही मेरे घर वालों की, आज मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे घर वालों के ऊपर अगर कोई भी हानि पहुँचती है या कुछ भी, जैसे वो थ्रेटिंग कर रहे हैं मेरे घर वालों के ऊपर। थ्रेटिंग कौन कर रहे हैं? वहाँ के सरपंच साहब कर रहे हैं, मेंबर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? नहीं, सरपंच ने मेरे साथ बात अच्छे तरीके से की, उन पे फोन पे बात हुई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेंबर है जिसका वो काम था, अच्छा, जिसका मैंने दिखाया, जिसको मैंने दिखाया कि ये देखो ये कितने का काम है, असल में अगर वो काम सच्चा होता तो उसको टेंशन ही नहीं होती, वो बोलता बुलाओ मीडिया लाओ कुछ लाओ, मैं सच हूँ, सच को ज़रूरत क्या किसी चीज़ की, लेकिन वो झूठा था, इसीलिए उसने रात भर फ़ोन किया, उसको रात को नींद नहीं आई है। मुझे तो सुबह पता चला घर वालों ने रात को फ़ोन नहीं किया, मेरे चाचू ने मुकेश परियार, वो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं हमारे मलवाना के अंदर, वो उसी घर के रास्ते से होते हुए ऊपर जाते हैं। सुबह मेरी दादी मुझे बोलने लगी कि अगर तू तो डोडा के अंदर है, बाकी तो चलो ठीक है, ये
एबनॉर्मल है, ये अभी अनकॉन्शियस है, अगर इसके ऊपर अटैक किया किसी ने, इसके ऊपर जैसे धमकाया जा रहा है, अगर इनके ऊपर कुछ हुआ तो मैं उनको भी बता देता हूँ कि, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, और अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी अगर मेरी फैमिली मेम्बर को किसी को भी कुछ हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग सच सुनना चाहते हैं, अगर रियलिटी में इस टाइम पे सच सुनना चाहते हैं वो, तो उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी, एक जर्नलिस्ट की सपोर्ट करनी पड़ेगी, और उस उन जर्नलिस्टों की सपोर्ट करेगी, उन यूथ की सपोर्ट्स करनी पड़ेगी जो कि यूथ में कहाँ पे, जो यूथ हैं जो लोकल एरियाज में जाके काम करते हैं, लोकल एरियाज में जो थ्रेटिंग में काम करते हैं, उनको इसका खतरा उसका खतरा, क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं। सरपंच ऊपर होगा, जर्नलिस्ट नीचे होगा, उसका घर होगा, उसका आपस में वो होगा, और कुछ भी हुआ तो वो दूसरी तरीके से प्रताड़ित करेगा उसको, किसी और तरीके से उनको बोलेंगे कि हाँ जी ये देखो जी ये जो है ये कुछ और गलतियां निकालेंगे उसकी, जिस कारण उसको पकड़ा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, मतलब उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुलिंदर परियार ना कमज़ोर है ना कमज़ोर था, फैमिली की वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा और बताना पड़ा, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी DC साहब को भी ये नोटिस में लाना चाहता हूँ, SSB साहब को भी, और उनके पास जाऊँगा भी और बताऊँगा भी कि मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए ताकि मैं काम कर सकूं जर्नलिज्म में, फ्रीडमली काम कर सकूं और बता पाऊं सबको। जैसे वो अभी भी थ्रेटिंग कर रहे हैं घर के अंदर, अभी भी पूरे विलेज के अंदर बता रहे हैं कि हाँ जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अगर मैं, क्योंकि वो शराबी है बंदा, वो गुंडा टाइप का है, अगर मेरी फैमिली मेम्बर में से किसी के साथ भी कुछ बदतमीज़ी हुई या इनहुमलेट किया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जाएगी सारी की सारी। कुछ भी अगर हुआ तो वो जो वार्ड मेंबर है मलवाना पंचायत का, उसके ऊपर सारी की सारी जाएगी, और उसको मैं कहीं भी ऐसे जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। उसको मैं अभी BDO के पास जाके पूरे कागज़ निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है जिस तरीके से वो रात को सोया नहीं है, फ़ोन पे फ़ोन किया है, दारू पी के फ़ोन किया है घर वालों को, रात को 10-10, 11-11 बजे तक फ़ोन किया है, तो वो चोर है, क्योंकि आज किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि 10-10, 11-11 बजे तक फ़ोन करे और एक एक दो दो घंटा थ्रेट मारे, उसको समझाओ जी, उसको ये कर, मुझे समझा के क्या करना है, मैं समझदार हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं समझदारी की, मैं अपना काम, मुझे पता है कि मैंने कैसे काम करा, मुझे उसकी समझदारी की ज़रूरत नहीं। उसकी माँ बोलती उसको समझाओ, समझाओ भाई, अगर चोरी की होती, अगर मैंने कोई गलत काम किया होता तो उसके लिए समझाते तो उसके लिए वेलकम था, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने अच्छा काम किया और मैं अभी भी अच्छा काम कर रहा हूँ। वो जो हैं उन्होंने चोरी की है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आप भी अपने इसमें लिंक भी डालो और लोगों को दिखाओ, और लोग देखें उस काम को। और ऐसा ही नहीं, मुझे 2-3 कॉल्स भी आई बाकी जगहों से, उन्होंने थ्रेड्स की नहीं, बाकी जगह उन जो वो न्यूज़ देखी सबने, तो उस न्यूज़ को देख के बाकी जगहों के लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया कि भाई हमारे यहाँ की हालत भी ऐसी है, कि हमारे जो शमशान घाट है ऐसी हालत है, एक घाटा सेकेंडरी घाट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर से मुझे कोई फ़ोन कर रहा था, बोला कि यहाँ पे भी यही हालत है, यहाँ पे 10,000 रुपया जो है शमशान घाट के ऊपर लगा दिया गया, लेकिन अभी तक शमशान घाट बना नहीं है। तो जितनी भी न्यूज़ें हैं, हम सारे जैसे यूथ, जितने भी यूथ हैं, जो भी पत्रकार हैं, वो सभी आगे आएँ और ऐसी जो डरें ना बिल्कुल, एक हों, मिल के काम करें और दिखाएँ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, क्योंकि सरकार ने तो बोला कि करप्शन बंद हो जाएगा, सरकार ने तो, करप्शन बंद हुई, करप्शन कहाँ बंद हुई है, अगर करप्शन बंद हुई होती तो वो जो 1,00,000 का काम है वो पास नहीं हुआ होता 10,000 में, वो जो इंजीनियर है मुझे नहीं लगता वो फ्री में उसने पास किया होगा, कैसे किया होगा पास, उसने भी पैसे लिए होंगे और उसने भी सोचा होगा कि यार ये यहाँ का बंदा है, ये इस गाँव का बंदा है, इसको ज़रूरत नहीं है अच्छे काम की, तो मुझे क्या, मैं भी करता हूँ पास। ये ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक ये गुंदना ब्लॉक है। अच्छा, गुंदना ब्लॉक, गुंदना ब्लॉक के अंदर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यही नहीं कि सिर्फ वही, उसके अलावा भी बहुत सारी इश्यूज़ है। अगर मुझे वहाँ पे इश्यूज़ पे काम करना पड़े तो 1 महीना कम पड़ेगा, इतने सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे ब्लॉक को लेकर। ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक पूरा खोखला है, जैसे सभी तो जानते हैं कि ब्लॉक के अंदर क्यों और क्यों है, वो उन ऑफिसर्स की वजह से नहीं है, मैं ज़्यादा ब्लेम उनके ऊपर नहीं डालता, उन ऑफिसर्स के ज़्यादा उन लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लोगों के जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और वोट लेके बनते हैं, मैं सरपंच हूँ, मैं वार्ड मेंबर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं BDC हूँ, वो लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनको बनाया गया है कि अच्छा काम हो, आप अच्छा काम करो, लेकिन वो कहाँ कर रहे, वो तो 10,000 का काम करके उसको बोलेंगे 10,000 तू ले और काम हो गया ख़त्म। आप क्या डिमांड आपकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोडा से? मेरी डिमांड यही है
कि मेरी जो फैमिली है मैं तो मरने से नहीं डरता, मुझे सिक्योरिटी दे एडमिनिस्ट्रेशन ना दे मैं नहीं डरता, लेकिन मेरी फैमिली जो है, क्योंकि मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं उसको भी बता दूँ, उस फैमिली को भी बता दूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद से कर रहा हूँ, मेरी फैमिली ने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, ना ही फैमिली ने मुझे बोला है कि ये काम कर तू। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि वो काम करो मत, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते कि मैं सोशल वर्क करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी सोशल वर्क की वजह से मेरे चाचू जो हैं वो अनकॉन्शियस है, उनको वो 4 साल बेड पे ही लेटे हुए, सभी जानते हैं मुकेश परियार उनका नाम है, स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के। तो उस बीच भी मैं संघर्ष करके जो है लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, उस बीच भी घर वाले कहते हैं कि देख इसने क्या किया, जो अब तू क्या करेगा, लेकिन हमारे घर, क्योंकि होप्स हैं हमारे घर वालों की कुछ ना कुछ हमारा बच्चा करे और बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, लेकिन हम क्या हैं, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, मुझे खुशी मिलती है सोशल वर्क करने में, दूसरे लोगों की हेल्प करने में खुशी मिलती है, तो मैं वो काम करता हूँ। अब रही फैमिली की बात, फैमिली को अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम आए तो फ़ायदा, आप सिक्योरिटी मांग रही है अपनी फैमिली की, हाँ फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए, अगर कोई भी हमला हुआ उनके द्वारा या कोई भी खा पी के या उसने हिमलेट किया, ये लोग पूरे विलेज के अंदर उसने कोई भी इनहुमलेट किया, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी, उसके ऊपर मैं केस करूँगा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जो है नोटिस में इस वीडियो के माध्यम से आपके और सभी लोगों को कि ये जो वीडियो आप भी देखो और आप भी डिसाइड करो कि सही है या गलत है, जो मैंने न्यूज़ की है वो सही है गलत है, आप न्यूज़ वो देखो, और एडमिनिस्ट्रेशन को कि रिक्वेस्ट यही है कि आप मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली ही नहीं, जो भी हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसी यूथ हैं जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमारे लोकल एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं और उन चोरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको उनके घर वालों की सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है। जैसे देख सकते हो आपकी सुलंदर परियार सराजी हमारे साथ जुड़े थे कि ये एक स्टोरी करते हैं जिसपे इनको वायलेशन थ्रेड्स इनके पेरेंट्स को मिलती है, इन्हें भी कॉल की जाती है, इनके पेरेंट्स को भी टॉर्चर किया जाता है, वो भी किस बेस पे कि एक ये जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग इन लोगों ने वहाँ से की जिसपे इनको थ्रेट, उनको बोलते जी आप ये ऐसी वीडियो डिलीट कर लो या ये करो या वो करो, थ्रेट्स, क्या सच दिखाना जुर्म है, क्या इस दुनिया में सच दिखाना जुर्म है? इसका फैसला तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को करना है। तो फर्स्टली वहाँ के सरपंच साहिबान जितने भी हैं, वहाँ के सरपंच साहिब हैं या वहाँ के वीडियो हजरात हैं, मैं उन लोगों को एक मैसेज दे देना चाहता हूँ, जो भी आप ये पैसा पंचायत से लूट के खा रहे हो, ये आपका पैसा नहीं, ये गरीब आवाम का पैसा है, आप ये पैसा आपका मतलब आप जी खा रहे हो कभी इधर कहीं, मैक्सिमम हमें दिखा कि 14 FC में ये एक ही ब्लॉक यहाँ के नहीं कि इसी ब्लॉक में ये हाल है, हर ब्लॉक का ये हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक मैसेज जनरल पब्लिक के लिए रहेगा कि सोशल मीडिया का जमाना है, जहां कहीं भी आपको कोई कोई गलत दिखता है, आप जैसे खूबसूरत अंदाज में एक कमेंट करते हो, अगर कहीं किसी जर्नलिस्ट को कुछ हो जाता है तो खूबसूरत अंदाज में मिनट में केयू में कमेंट चले जाते हैं, आप अपने खूबसूरत अंदाज में वहीं वो चीज़ कैप्चर करके अपने मीडिया पे चढ़ाएं या अपने फेसबुक पे चढ़ाएं, किसी को क्रिटिसिज्म करने से पहले आप देखें कि ये क्रिटिसिज्म के पास है या नहीं। साथ ही हमने एक स्टोरी की, ये मोटिवेशनल स्टोरी थी, तो इन्हें थ्रेट दी गई, कहीं ना कहीं हर एक जर्नलिस्ट को आगे आना चाहिए। तो रुको, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी है, अभी रिकॉर्डिंग सुने। 1 लाख वो बनाया, 1 लाख उसका है, 1 लाख का मंदिर के बाहर जो दीवार दी है तो उसका है, बस वही 2 लाख का काम था उसमें। ऊपर वाले वार्ड में वही, अच्छा ऊपर वाले में तो उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए का 14 FC के अंडर जो है वो काम दिया गया था, जिसमें 1 लाख का काम उस शेड को बनाने के लिए लगा जो कि 1 लाख का है नहीं, और दूसरा जो है उसमें पार्क के लिए दूसरे मंदिर के आगे दीवार जैसी लगाई है उसके अंडर, तो वो भी मुझे नहीं लगता वो भी 1 लाख का है, वो भी 50 से 60 हज़ार तक किया गया होगा, लेकिन चलो वो फिर भी दिख रहा है काम, लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, उसमें भी 40 हज़ार रुपया इन्होंने खाया होगा, लेकिन इसमें तो सारा पैसा खा लिया। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे सरपंच साहिब की हमें सोंड में आपको रिकॉर्डिंग सुनाई कि बोला हमने कि सरपंच साहिब बोलते हैं कि 1 लाख रुपये का काम है, लेकिन लोकल रिपोर्ट वहाँ विजिट करती है वहाँ दिखता है कि वो 10 या 20 हज़ार का काम है, कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा भी दे रही है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को सहना आ रही है बाकी कर रही है, और स्पेशली मेरा मैसेज रहेगा वहाँ पे सरपंच साहिबे हैं साहिब जो भी हैं कि आप देखें कि क्या मैटर है कि आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हो, आप देखें कि आपकी पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, तो कुछ ये नहीं कि आपके पास कुछ पावर है तो आप किसी को वायलेशन थ्रेट दो या आप किसी को डराओ धमकाओ या कोई सोशल वर्क करना चाहे उसे आप रोको, तो यही कुछ चंद बातें लेके हम आपके सामने आए, आप जुड़े रहें हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ, मैं राहुल शर्मा आपके साथ।